ईद उल फितर की आमद आमद, मार्केटों बाजारों में रश, खरीदारों की गहमा गहमी। इचरा, अनालकरी, लिबर्टी मार्केट में ईद की शॉपिंग। खवातीन को मैचिंग चूड़ियों और जूतों की तलाश। खुसा और जूतों की खरीदारी में भी तेजी। बच्चे भी अपनी पसंद की खरीदारी के लिए निकल आए। लाहौर चैम्बर के जेर एहतमाम तीन रोजा शॉपिंग फेस्टिवल एक्सपो सेंटर में मेला सज गया। सदर चैम्बर काशिफ अनवर ने इफ्तिताह किया। जीशान हाशमी, फारूक हफीज, शाहिद खलील, नासिर सुलमान की शिरकत। शहरियों के लिए एक ही छत तले तमाम अशिया। जरूरिया की कीमतों में कमी, चीनी की कीमत में 5 रुपए किलो कमी, 130 से 125 रुपए पर आ गई। अकबरी मंडी में 50 किलो का थैला 5,900 का हो गया। ओपन मार्केट में घी और ऑयल के दाम भी नीचे आने लगे, 12 रुपए किलो तक कमी। सेब, केला, अंगूर और अनार और खरबूजा भी सस्ते। गर्मी बढ़ते ही पंखों की कीमत बढ़ गई। पेडिस्टल फैन 5,000, सीलिंग फैन 6,000 रुपए तक महंगा। 8,000 वाला पेडिस्टल फैन 13,000 का हो गया, सीलिंग फैन 9,000 तक फरोख्त। दुकानदार और ग्राहक दोनों परेशान। कोरोना के वार जारी, शहर में मजीद 6 अफराद वायरस में मुब्तला। चिल्ड्रन और नेशनल अस्पताल में कोरोना के 2-2 मरीज दाखिल। न्यू अस्पताल और डॉक्टर्स हॉस्पिटल में 1-1 मरीज दे रहे इलाज। उधर डेंगू के हमलों में भी तेजी आ गई। मच्छर के ढंग से मजीद 2 अफराद अस्पताल जा पहुंचे। सर्वसेज अस्पताल में क्लिनिकल टेस्टों की सहूलत तातुल का शिकार। इमरजेंसी आउटडोर इंडोर में क्लिनिक टेस्ट की सहूलत बंद। किट्स खत्म होने से टेस्ट रुक गए, मरीज परेशान। सेंट्रल मॉडल स्कूल को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का फैसला। बेहतरीन तुलबा को ही स्कूल में दाखिला मिलेगा। दाखिले का तरीका कार वाजे करने के लिए कमेटी कायम। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं ए और ओ लेवल क्लासेस के इजरा का तरीका कार भी वाजे किया जाएगा। शहर के 6 थानों के SHO तब्दील। अफजल सिंधु नसीराबाद, ख्वाजा हसन रजा थाना, किला गुजर सिंह ताजनाथ, मलिक खालिद मुर्ज नेरावी, अफजाल राउत SHO थाना बहादुर रोड मुकर्रर, ताजा मुजाहिद हुसैन, दानियाल यूनस को भी नई जिम्मेदारियां तफवीज। हुकूमत पंजाब का ईद पर 5 छुट्टियों का ऐलान। ईद उल फितर पर 21 से 25 अप्रैल तक आम तातील होगी। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद करीब आ गई, नए नोट नहीं आए। मर्कजी बैंक इंसाल नए नोट जारी नहीं करेगा। स्टेट बैंक के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त। 10 रुपए वाली कॉपी 1500, 20 वाले नोट की कॉपी 2450 में बेची जाने लगी। 100 और 500 वाले नोटों पर भी इजाफी रकम वसूल। हसास इदारों के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी। इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर। जस्टिस अली बाकर नस्फी ने दरखास्त पर समाअत की। इमरान खान की पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम थे। अरबों रुपए की करप्शन का केस, परवेज राही की 27 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। चौधरी साहिब, मेरी अदालत के सेक्रेटरी को आपने इक्तदार में आकर तरक्की देनी है, मेहनती बच्चा है, हो सके तो मोहम्मद खान भट्टी की तरह ग्रेड 22 में तरक्की देना। जज एंटी करप्शन कोर्ट के सवाल पर अदालत में कह गए। पंजाब असेंबली का इलेक्शन, परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। कागजाती नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने अपीलें मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन का रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम इस्तेमाल करने का फैसला। जिले सतह पर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को तरबियत देने का मरहला शुरू। साढ़े 12 करोड़ रुपए रिश्वत का इल्जाम। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी मुकदमे से डिस्चार्ज। एंटी करप्शन की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एंटी करप्शन के पास बैंक अकाउंट से मुतालिक तफसीलात नहीं, अदालत के रिमांड। निगरान वजीर आला पंजाब की तकरीरी दुरुस्त करार। शेख रशीद समेत दीगर की दरखास्तें मुस्तरद। हाईकोर्ट का 5 सफात का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने लिखा, इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वजीर आला के तकरूर का आईनी इख्तियार है। हकुमती और अपोजिशन ने खुद मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ और ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी। ड्यूटी जज ने नैब से सप्लीमेंट्री रिपोर्ट तलब कर दी। लाहौर मास्टर प्लान 2050 पर नजरे सानी कराएंगे। हाई कोर्ट का माहौलियाती सफीरों की तादाद बढ़ाने का हुक्म। स्मोक तदारु केस में जस्टिस शाहिद करीम का DGLD के उदय पर तायुनाती ना करने पर इजहार तशवीश। कहा यह ओहदा बहुत अहम है, कमिश्नर तो इसके सामने कुछ भी नहीं। चेयरमैन PND अली सरफराज हुसैन की जेर सदारत इजलास, 4 तरक्याती स्कीमों के लिए 4 अरब से जायद फंड की मंजूरी। उधर निगरान वजीर बिलाल अफसल की जेर सदारत डायरेक्टर्स एक्साइज का कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर के अफसरान को 40 करोड़ रिकवरी का हदफ यकीनी बनाने की हदायत। निगरान वजीर सनत एसएम तनवीर की जेर सदारत की फायर शुमारी कमेटी का इजलास। मुफादियामा की स्कीमों के लिए नई गाड़ियों और एयर कंडीशनर्स की मंजूरी। वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की जेर सदारत इजलास। वाटर सप्लाई, सीवरेज, LWMC के मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। CEO CBD का कलमा अंडरपास रीमॉडलिंग मंसूबे का दौरा। CEO इमरान अमीन का काम पर इत्मीनान का इजहार। अंडरपास और मुल्हिका शाहरा को फ़ाल करने पर इंतजामिया और कॉन्ट्रैक्टर की तारीफ। बताया कि CBD में 10,000 नए पौधे लगाए जा रहे हैं। रूडा के रिहायशी मंसूबे चहारबाग में काम तेजी से जारी। बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए लेस्को के साथ मुआहदे हतमी मराहल में दाखिल। लेस्को की जानिब से 132 KV ग्रिड स्टेशन कायम किया जाएगा। जमीन की निशानदही के लिए लेस्को की सिलेक्शन कमेटी का दौरा। खातीन भी अब पुलिस की गाड़ियां चलाएंगी। कोटा सिस्टम के तहत खातून मेरिट पर ड्राइवर भर्ती। ड्राइवरों की 76 खाली सीटों पर भर्तियां की गई। उम्मीदवारों को मोटर ट्रांसपोर्ट विंग में 7 दिन के अंदर रिपोर्ट करने का हुक्म। जेलों में कैदियों के लिए वीडियो कॉल की सहूलत। 7 दिन के अंदर वीडियो कॉल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। कैदियों को फजर और मगरिब की नमाज बाजमात अदा करने की इजाजत देने का भी फैसला। वजीर आला की जेर सदारत जेल रिफॉर्म्स पर इजलास हुआ। मामूली जराइम में बंद 71 कैदियों की रिहाई पर भी गौर। इब्राहिम ट्रेडर्स हॉल रोड के खिलाफ डिग्री जारी। सारी अदालत का LED तब्दील या रकम वापस करने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार को 30,000 रुपए हर जाना भी देना होगा। गुलकार अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ इतक इज्जत के दावे पर समात। अदालत के आइंदा समात पर मीशा शफी की जरा कराने की हिदायत। मीशा शफी के वकील की इस्तदा पर समात 2 मई तक मुलतवी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन मकबूल अहमद की जेर सदारत CEO एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। एजुकेशनल फ्रेमवर्क, इनरोलमेंट, एंटी डेंगी, PM शिकायत सेल पर बातचीत। असातिजा की इंक्वायरी, शजरकारी मुहिम और पेंशन केसेस पर भी मुशावरत की गई। महकमा स्कूल एजुकेशन में तकरर और तबादले। परवेज अख्तर CEO एजुकेशन अथॉरिटी तायुनात। पंजाब के 14,000 स्कूल टीचर्स की भी सुनी गई। सेकेंडरी स्कूल्स एजुकेटर्स असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर की मुस्तकिली के लिए कमेटी कायम। लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी और नॉलेज सचिन्स में वादा। कंप्यूटर साइंस के असातिज़ा को तरबियत दी जाएगी। CEO नॉलेज सचिन सुहेल नकवी, प्रोफेसर बुशरा मिर्जा ने वादे पर दस्तखत किए। सहाफी कॉलोनी में मुतनाज़े प्लॉट्स के मुतबादल प्लॉट्स देने का फैसला। कॉलोनी में मजीद 77 किनारे राजी पर प्लॉट्स बनाकर मुतासरा सहाफियों को दिए जाएंगे। सूबाई वजीर आमिर मीर का सहाफी कॉलोनी का दौरा। नए प्लॉट्स के लिए मुख्तस जगह देखी। टाउनशिप मदीना रोड के खुले मैन होल हादसात को दावत देने लगे। इंतजामिया ने मैन होल का ढक्कन ना लगाया। अहले इलाका कहते हैं कई बार दरखास्त थी मगर सुनवाई नहीं हुई। महकमे माहौलियात का पुरानी टेक्नोलॉजी के भट्टों के खिलाफ एक्शन। बाटापुर के इलाके में धुआं छोड़ने वाले 2 भट्टों को बंद कर दिया। दोनों भट्टा फश्त मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मंसूरा में जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम दस्तक का आगाज। सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अजीम ने इफ्तिताह किया। तकरीब में जिक्रुल्लाह मुजाहिद समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत।
शहर में यौम अल कुदस की मुनासबत से रैलियां, ISO के तहत इस्लामपुरा से पंजाब असम्बली तक रैली। तहरीक बेदार उम्मत मुस्तफ़ा ने नासिरबाग से चेरिंग क्रॉस तक रैली निकाली। अल्लामा सैयद जवाद नकवी, पीर हारून अली गिलानी, डॉक्टर फरीद पराचा समेत दीगर शख्सियात शहरी। ताजपुरा में लीगी रहनुमा मलिक वहीद के जेर एहतमाम अफ्तार डिनर, सैफुल मुल्क खोखर, कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, कुरम रोहेल अस्कर की शिरकत, चौधरी शहबाज अहमद, डॉक्टर अली सरदार समेत दीगर भी शरीक हुए। अलखैर ग्रुप की जानिब से इफ्तारी, शेख सईद, शेख साद, मुजीबुर रहमान शामी, सुहेल बड़ाइज की शिरकत। लाहौर आर्ट काउंसिल अलहमरा के जेर एहतमाम नातिया मुशारा, अब्बास ताबिश, सऊद उस्मानी, राफिद शहजाद ने अपना कलाम पेश किया। कासिम अली शाह, खालिद शरीफ, सादिक जमील समेत दीगर की शिरकत। मुशीर खेल पंजाब वहाब रियाज की जेर सदारत इजलास, पंजाब टैलेंट एंड प्रोग्राम के इनेकाद पर बातचीत। शाहिद जमान, डॉक्टर आसिफ तुफैल, सैयद उमर हसन समेत दीगर ने शिरकत की।